So student, the next session is session 10, prepare a, deliver a presentation. कैसे हम अपने presentation को deliver करेंगे इस topic के जरिए आज हम लोग देखेंगे. The effectiveness of presentation depend on two things. जो presentation को effectiveness दो तरीके से देखा जा सकता है. पहला content and design of presentation, ये पहला part है. दूसरा deliver of the presentation. यानी ये दो पार्ट आपका इस इफेक्टिवनेस आपके प्रेजेंटेशन को देता है. इट इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन इन इम्प्रेसिव मैनर इन ऑर्डर टू मेक मोर इफेक्टिव. अगर आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर लिए हैं, ठीक है, तो आप उसको डिलीवर कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट और इम्प्रेसिव मैनर होता है अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए. ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे डिलीवर किया जाता है प्रेजेंटेशन को. Preparing a slideshow to deliver. तो आप slideshow prepare करते हैं अपने presentation को deliver करने के लिए. To work with slideshow, open an existing presentation. आपको slideshow करने के लिए आप existing presentation को open करना हो जो पहले से आपके system में है. आप अपने presentation software के जरिए existing presentation को open करते हैं. Click setup slideshow option. आप सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन पे जाते हैं. उसके बाद जो आपके सेटअप ग्रुप में अवेलेबल होता है, उसके बाद आप सेटअप शो डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है आपके सामने. उस नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है, इफ द प्रेजेंटेशन इज डिलीवर बिफोर एन ऑडियंस, अगर आप चाहते हैं कि वो आपका प्रेजेंटेशन ऑडियंस से पहले डिलीवर्ड हो, तो यूज अ प्रेजेंटेशन स्पीकर फुल स्क्रीन ऑप्शन. यानी आप वहां पे प्रेजेंटेशन बाय प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं. सेलेक्ट द ऑप्शन ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो. या तो आप फुल स्क्रीन या तो इंडिविजुअल विंडो के जरिए आप ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं. टू फैसिलिटेट द ऑडियंस इन व्यूइंग द प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ हार्ड डिस्क और सीडी ऑन अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट. यानी आप चाहते हैं कि कोई हमारा प्रेजेंटेशन इंडिविजुअल वे में देखे, तो आप वहां पे ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो को सेलेक्ट करते हो ऑप्शन से. या अगर आप चाहते हैं कि पूरी ऑडियंस देखे, तो वहां प्रेजेंटेड बाय द स्पीकर फुल स्क्रीन में देखे. इफ द प्रेजेंटेशन इज डिलीवर्ड ऑन किशो, यूज द ब्राउजर किशो फुल स्क्रीन. ये एक तरह का आपका वेब पे अवेलेबल हो जाएगा, आपके प्रेजेंटेशन को शो करेगा. यानी ये आपका वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा और वेबसाइट के थ्रू आपके प्रेजेंटेशन को शो करेगा. इन द एडिशन यू कैन कॉन्फ़िगर द प्रेजेंटेशन टू लूप कंटिन्यूअस अंटिल स्केप शो विदाउट नरेशन शो विदाउट एनिमेशन. अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन कंटिन्यू वे में चलता रहे, तो आप यहाँ पे जब तक स्केप की का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो, तब तक आपका वो चलता रहेगा. Using option under the show option, this section also facilitate in changing the default pen color, laser pointer color. यहाँ पे इस section में आपको ये सारी facilitating option दी जाती है कि आप यहाँ पे changes भी कर सकते हैं अपने presentation में pen color को use करके और laser pointer color के through. You can either display all the slide or selective slide from a presentation using show slides section. अगर आप चाहते हैं कि आपका सारे स्लाइड्स दिखे या सेलेक्टिव स्लाइड दिखे, तो आप स्लाइड शो यानी शो स्लाइड्स सेक्शन में जा करके इस ऑप्शन को क्लिक करना होता है. तो वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आपको डिस्प्ले कस्टम शो ड्यूरिंग, यानी आप अपने डिस्प्ले करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान, तो आप कस्टम शो ऑप्शन पे क्लिक करते हैं. सेलेक्टिंग द नेम ऑफ द कस्टम शो, आप कस्टम शो का नाम सेलेक्ट करते हैं आप ड्रॉप डाउन मेनू से जो आपके कस्टम शो लिस्ट बॉक्स में अवेलेबल होता है, वहाँ से आप अपने नेम को सेलेक्ट करते हैं. यू कैन चेंज द ऑप्शन मैनुअली अंडर द एडवांस स्लाइड. आप एडवांस स्लाइड सेक्शन में से जाकर के मैनुअली क्या करते हैं, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं. एडवांस ई स्लाइड मैनुअली ड्यूरिंग द स्लाइड शो, यानी ये एडवांस स्लाइड यानी ये मैनुअली तरीके से आपका ये वर्क करेगा, आपके प्रेजेंटेशन स्लाइड को चलाएगा. सेलेक्ट द ऑप्शन यूजिंग टाइमिंग इफ द प्रेजेंट यूज द स्लाइड टाइमिंग. अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रेजेंटेशन स्लाइड में टाइमिंग की जरूरत हो, तो आप इसमें यूजिंग टाइमिंग ऑप्शन को भी दे सकते हैं. इफ द प्रेजेंटर हैज मोर देन वन मॉनिटर, अगर प्रेजेंटर के पास एक से ज्यादा मॉनिटर है, ही कैन सेलेक्ट अ पर्टिकुलर मॉनिटर टू डिस्प्ले द स्लाइड शो फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. वो अगर
चाहे तो पार्टिकुलर मेन्यू पे डिस्प्ले करवाना चाहे अपना स्लाइड शो, तो वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में से डिस्प्ले स्लाइड शो ऑन करना होगा ऑप्शन को, ठीक है। अब प्रेजेंटर कैन शो प्रेजेंटर व्यू ऑप्शन, यहाँ पे प्रेजेंटर को शो प्रेजेंटर व्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा टू डिस्प्ले द शो ऑन बोथ कंप्यूटर, यानी दोनों पे अगर दिखना है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे भी चलेगा वो स्लाइड शो और हमारा प्रोजेक्टर पे भी, तो ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन टू डिलीवर ऑन अ डिफरेंट कंप्यूटर, कैसे हम डिफरेंट कंप्यूटर पे अपने प्रेजेंटेशन को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। When you develop a presentation on a computer, you will have font, link object, other element, component of the presentation. अगर आपको develop करना है presentation को अपने computer पे, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास font, object, link object और other element होनी चाहिए। If you are delivering your presentation from your computer, then the one of which is you prepared it, you ensured that all these available on your run the presentation. ये सारी चीज़ें जब आप डिलीवर करना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी होनी चाहिए। विथ पावर पॉइंट 2010 यू कैन यूज़ द अपडेट पैकेज सीडी फीचर्स, यानी आपको ये पैकेज फॉर सीडी फीचर्स आपको मदद करती है कि ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको गैदर करके आपके प्रेजेंटेशन में देता है। सेव देम टू अ सीडी, अदर टाइप ऑफ रिमूवल मीडिया सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट इट टू अनदर कंप्यूटर। आप क्या करते हैं, पोर्टेबल डिवाइस यूज़ करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर करके प्रेजेंटेशन से आप दूसरे रिमूवल मीडिया में लेके जाते हैं, दूसरे कंप्यूटर में आप उसे यूज़ कर पाते हैं। लिंक्ड एंड एम्बेडेड आइटम्स सच एज फॉन्ट, साउंड, वीडियोज और एनी अदर फाइल्स यूज बाय प्रेजेंटेशन, अगर आप लिंक और एम्बेडेड कोई भी आइटम को करना चाहते हैं, चाहे वो फॉन्ट्स हो या साउंड हो या वीडियो हो, कोई भी अदर मीडिया हो, आप उसे कर सकते हैं प्रेजेंटेशन पैकेज के जरिए, ये आपका बाय डिफॉल्ट यूज होता है। यू हैव द ऑप्शन ऑफ असाइनिंग अ पासवर्ड, अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें पासवर्ड के जरिए ये खुले, तो आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को यूजिंग डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर के जरिए, ठीक है। आप यहाँ से रिमूव एनी पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैकेज फाइल, अगर आप चाहते हैं कि आपके पैकेज फाइल में से रिमूव करवाना चाहते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो आप वो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर के जरिए आप कर सकते हैं। यू कैन ऐड मोर देन वन प्रेजेंटेशन टू द सेम प्रेजेंटेशन पैकेज, आप चाहते हैं कि एक ही प्रेजेंटेशन एक प्रेजेंटेशन पैकेज के साथ यूज हो चले, तो आप कर सकते हैं। एंड कैन इंक्लूड फाइल नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन यू ऐड, इफ यू ऐड मोर देन वन प्रेजेंटेशन यू कैन स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच प्रेजेंटेशन शुड रन, अगर आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा प्रेजेंटेशन आपका यूज हो रन करवाए, तो आप प्रेजेंटेशन को रन करवा सकते हैं। पावर पॉइंट असेंबल ऑल द फाइल्स एडेड ऑन ऑटो रन फाइल, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन असेंबल करता है सारे फाइल्स को एक साथ ऐड करके रन करवाता है। क्रिएट अ फोल्डर टू फॉर सपोर्टिंग फाइल्स, आपको एक फाइल को क्रिएट करना होता है, सबसे पहले यूज अ पैकेज फॉर सीडी फीचर, अगर सीडी फीचर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप पहले एक प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे, फाइल टैब पे जाएंगे और उसके बाद सेव एंड सेंड का ऑप्शन जो आपके बैकस्टेज व्यू पे आता है वहाँ पे उसे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट आपका जो है पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर सीडी ऑप्शन आपके अंडर फाइल टैब पे सेक्शन में अवेलेबल है, वहाँ पे उस पर क्लिक करना होता है। उसके बाद आपका डिस्प्ले पेन में आपको पैकेज फॉर सीडी ऑप्शन बटन पे क्लिक करना होता है, जैसे ही आप उसे क्लिक करते हैं तो आपका वो डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है आपके पैकेज फॉर सीडी ऑप्शन का, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, यू कैन ऐड फाइल, रिमूव और अदर प्रेजेंटेशन फाइल फ्रॉम द फाइल टू बी कॉपीड लिस्ट, अगर आप चाहते हैं कोई फाइल आपका ऐड हो या रिमूव करना चाहे, तो आप फाइल टू बी कॉपी लिस्ट से कर सकते हैं। क्लिक ऑन द ऑप्शन बटन, आप उसके बाद ऑप्शन बटन पे क्लिक करते हैं, आपका ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है आपके सामने। उसके बाद इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड अ पासवर्ड टू योर प्रेजेंटेशन, अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड देना चाहे प्रेजेंटेशन को, आप वहाँ पे पासवर्ड टू ओपन ईच प्रेजेंटेशन और पासवर्ड टू मॉडिफाई ईच प्रेजेंटेशन, आप अपने प्रेजेंटेशन को पासवर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं।
सेलेक्ट द चेकबॉक्स, वहाँ पे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना पड़ता है। इंस्पेक्शन प्रेजेंटेशन फॉर इनअप्रोप्रिएट और प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑप्शन, क्लिक ओके। ये सारे ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप ओके बटन करते हैं, आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लिक करना होता है कॉपी टू फोल्डर, और कॉपी टू सीडी में जो आपका जो भी प्रेजेंटेशन होगा वो आपका कॉपी हो जाएगा सीडी के, सीडी में आपका एक सीडी डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो वहाँ पे एक मैसेज आपका पूछेगा आपसे कंफर्म होने के लिए, तो आप वहाँ पे यस करते हैं क्लिक, तो वो कंफर्मेशन आपका हो जाता है। अ डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर डायलॉग बॉक्स ओपन, एक डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, वहाँ पे सर्टेन कॉलम को चेकबॉक्स में टिक करना होता है, क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे और वो सारा ऑप्शन आपको यूज होने के बाद आप क्लोज बटन यूज करते हैं वो सारे ऑप्शन सेलेक्ट हो जाते हैं। रिमेंबर दैट द प्रिपेयर अ गुड स्लाइड शो इज जस्ट पार्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। अगर आप याद रखें कि जब आप कोई गुड स्लाइड शो बना रहे हैं तो ये आपके इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को दर्शाता है, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ ऐसी मोर इम्पॉर्टेंट बातें याद रखनी है। रिहर्स द स्लाइड अलॉन्ग द स्लाइड टाइमिंग टू श्योर योर प्रेजेंटेशन गेट ओवर इन द स्प्लिटेड टाइम। यानी अगर आप अपने प्रेजेंटेशन टाइम को जितने कम में यूज़ करना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं। एक्सेस टाइम अगर आप दे रहे हैं प्रेजेंटेशन में तो वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम चला जाएगा। प्रिंट हैंड आउट इन केस यू विश टू डिस्ट्रीब्यूट हैंड आउट टू ऑडियंस, अगर आप चाहते हैं कि आपका हैंड आउट दे जो आपका प्रेजेंटेशन जो हो रहा है तो वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव आपके प्रेजेंटेशन को बनाता है। प्रिंट आउट नोट फॉर योर सेल्फ, बी प्रिपेयर दैट इन द केस टेक्निकल प्रॉब्लम अराइज एट अ टाइम प्रेजेंटेशन एंड यू आर अनेबल टू रन स्लाइड शो, अगर आपका प्रेजेंटेशन नहीं रन कर रहा है, स्लाइड शो नहीं चल रहा है, तो उस हिसाब से उस समय आपको नोट्स प्रिंट आउट करवा लेना होगा जो आप अपने प्रेजेंटेशन को तैयार किए हैं, तो वो आपको एज अ हार्ड कॉपी आपके हाथ में होता है उस नोट्स का, इससे आपको दिक्कतें नहीं होती है। प्रैक्टिस, अगर आप गुड स्पीकर हैं, प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना चाहते हैं, आप उसे बार बार प्रैक्टिस करें उसे प्रेजेंट करने के लिए। इफ पॉसिबल ट्राइंग रनिंग द प्रेजेंटेशन इन एडवांस इन द एनवायरमेंट you are going to deliver in order to ensure that you are familiar and comfortable with the infrastructure provided. अगर वो सारी facilities आपको provide हो रही है आपको presentation देने के समय, तो आपको और भी ज़्यादा advancement दिखाना है, enhancement करना है अपने presentation में while you presenting your presentation. As far as possible keep a remote control device ready. आपको remote control device always ready रखना है आप अपने slides को एक एडवांस वे में देने के लिए, एक एडवांस वे में रन करवाने के लिए। अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस टू होम आर डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन एंड कीपिंग देयर इंस्टेट इंटरेस्ट इन व्यू, कीप ऑल द की पॉइंट्स इन योर माइंड एंड टू मैनेज देम एंड कैप्चर देयर अटेंशन व्हाइल यू गिविंग योर प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस आस्किंग सम क्वेश्चंस, आपको उनके क्वेश्चंस को भी ध्यान रखना है, अपने क्वेश्चंस को भी ध्यान रखना है, जब आपको वो क्वेश्चन अराइज करेंगे तो आपको उनको जवाब देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप जब वो क्वेश्चन करते हैं तो आप ऑडियंस के बीच में इंटरेक्ट करना होता है, वो सबसे बड़ा इफेक्टिव मैनर होता है और इफेक्टिव अपीयरेंस वो ऑडियंस के सामने पड़ता है। द नेक्स्ट सेशन इज सेशन 11 प्रिंटिंग अ प्रेजेंटेशन, कैसे हम प्रिंट आउट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को, ठीक है। उसके लिए सबसे पहला आपको प्रिंटिंग स्लाइड करने के लिए आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, जो आपका क्लिक ऑन द फाइल टैब बैक स्टेज व्यू पे आपको ये फाइल टैब में प्रिंट ऑप्शन होता है, वहाँ पे प्रिंट पेज पे आपको प्रिंट सेटिंग आते हैं, ठीक है, राइट साइड में वहाँ पे आपको चूज करना होता है स्लाइड को पेज के जरिए। इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिंट सर्टेन स्लाइड स्पेसिफिक रेंज ऑफ स्लाइड, जो भी आप स्लाइड्स को करना चाहते हैं या सारी स्लाइड्स को आप वहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं। चूज द कॉपी ऑप्शन टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉपीज यू विश टू प्रिंट, अगर आप जो भी कॉपीज को करना चाहते हैं स्लाइड्स को आप वहाँ नंबर ऑफ कॉपीज को मैंशन करना है प्रिंटिंग के दौरान। सेलेक्ट द प्रिंटर दैट इज अटैच, आप प्रिंटर को सेलेक्ट करते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम से अटैच होता है, उसके बाद प्रिंटर ड्रॉप डाउन लिस्ट आता है, वहाँ प्रिंटर की प्रॉपर्टी आती है, वो सारे को सेलेक्ट करना होता है प्रिंटर का, उसके बाद
जो सेटिंग ऑप्शन आता है उसमें आपको प्रिंट ऑल स्लाइड, उस प्रिंट ऑल स्लाइड में आपको पूरे स्लाइड्स को प्रिंट करना होता है। प्रिंट करंट स्लाइड, ये इसमें आपको करंट स्लाइड का ही प्रिंट आउट होगा। प्रिंट सिलेक्शन, इस प्रिंट सिलेक्शन में आप सेलेक्टेड स्लाइड्स को ही प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम रेंज, टू प्रिंट द स्पेसिफिक स्लाइड बाय टाइपिंग इन द स्लाइड नंबर इन द स्लाइड, अगर आपके स्लाइड में स्लाइड नंबर अवेलेबल है तो आप वहां पे अपने प्रिंटिंग सेटिंग में स्लाइड नंबर को मेंशन करके उसे प्रिंट आउट करवा सकते हैं, ठीक है। प्रिंट लेआउट, प्रिंट लेआउट नोट, प्रिंटिंग नोट्स एंड स्लाइड, कैसे हम व्हेन यू प्रिंट प्रिंट स्पीकर नोट्स यू गेट वन स्लाइड पर पेज, अगर आप प्रिंट करते हैं स्पीकर नोट को आपको मिलता है वन स्लाइड पर पेज, ठीक है, विद द स्पेस अलॉटेड फॉर स्पीकर नोट्स बिलो द स्लाइड। अगर आप स्पीकर नोट्स के जरिए आप अपने प्रिंट आउट कर रहे हैं अपने स्लाइड्स को, तो वहाँ पे एक स्पीकर नोट्स आपके स्लाइड्स के नीचे दिखेगा, ठीक है। द प्रीव्यू पेन इन द प्रिंटर डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले व्हाट यू आर प्रिंटेड पेज विल लुक लाइक, यानी जो भी आप प्रीव्यू पेन में देखते हैं प्रिंट आउट डायलॉग बॉक्स में, वो सारे प्रिंटेड पेज आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि आप क्या प्रिंट आउट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप सेटिंग सेक्शन पे जाएंगे जो आपके प्रिंट डायलॉग बॉक्स पे है, ठीक है। उसके बाद आप फुल पेज स्लाइड को एक्सपेंड करना चाहते हैं एक लिस्ट ऑप्शन के जरिए जो आपके प्रिंट लेआउट में नोट पेज में है, ठीक है। नोट पेज को सिलेक्ट करते हैं, तो नोट पेज को जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो आप प्रिंट वन स्लाइड पर पेज विद द स्पीकर नोट्स, यानी स्पीकर नोट्स के साथ अगर करना चाहते हैं तो आप नोट पेज को ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। इंटर अदर सेटिंग सच एज विच स्लाइड यू वॉन्ट टू प्रिंट, अदर सेटिंग चाहिए तो आपको जो स्लाइड्स को प्रिंट करना है आप उसे मेनी नंबर ऑफ कॉपीज में कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन देते हैं, आपका वो स्लाइड्स प्रिंट टेबल फॉर्मेट में आ जाता है। प्रिंट हैंड आउट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका वो प्रिंट स्लाइड एक हैंड आउट के जरिए आए, तो आप वहाँ पे अपने स्लाइड्स में पेज नंबर मेंशन करना होता है, ठीक है। उसे आप अलाइन कर सकते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली वे में, जिस तरीके से आपका नंबर अगर स्लाइड में शो होगा उसी वे में आपका वो प्रिंटिंग लेगा। इफ़ यू प्रिंट हैंड आउट विद द थ्री स्लाइड्स पर पेज, यानी आपका एक स्लाइड एक पेज में थ्री स्लाइड्स के प्रिंट को कर दे, तो आपको वहाँ पे नंबर ऑफ स्लाइड्स को मेंशन करना होता है कि हमारे एक पेज में थ्री स्लाइड्स या फोर स्लाइड्स आ जाए, तो आपको वहाँ पे उस तरीके से सेटिंग करनी होती है। यू गेट द स्लाइड अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज विद प्रिंटेड लिंक लाइंस फॉर टेकिंग नोट्स ऑन द राइट साइड, यानी इस तरीके से आपका ये ऑप्शन प्रोवाइड होता है कि आपका वो लेफ्ट साइड में वो प्रिंटिंग ऑप्शन दिखता है कि आपके नोट्स के जरिए आपके स्लाइड्स को कैसे वो प्रिंट आउट करेगा, वो आपके लेफ्ट साइड पेन में दिख जाएगा। उसके लिए आपको सेटिंग सेक्शन पे जाना होगा जो फुल पेज स्लाइड बॉक्स को एक्सपेंड करता है आपके लिस्ट ऑप्शन के साथ। उसके बाद अंडर हैंडआउट्स में जा करके आपको पेज लेआउट को सिलेक्ट करना होता है अपने प्रिंट को, ईच पेज को प्रिंट देने के लिए। उसके बाद आप प्रीव्यू ऑफ द स्लाइड योर चूजन लेआउट इज डिस्प्ले इन द प्रीव्यू पेन, आप जो भी चूज़ किए हैं आप अपने स्लाइड्स के लिए लेआउट, वो आपके प्रीव्यू पेन में शो होगा ऑटोमेटिकली, और उसके बाद आप प्रिंट ऑप्शन देते हैं। अदर प्रिंट ऑप्शन, कैसे हम अदर प्रिंट ऑप्शन को यूज़ करते हैं। कोलेटेड, इट अलाउ यू टू सेलेक्ट द सीक्वेंस इन यू विच यू कैन प्रिंट द स्लाइड, आप एक सीक्वेंस तैयार करते हैं अपने स्लाइड्स को प्रिंटिंग करने के लिए, और प्रिंट मल्टीपल कॉपी ईच स्लाइड वन आफ्टर अनदर, अगर आप चाहते हैं कि एक स्लाइड के बाद दूसरे स्लाइड को वो कंटिन्यूस वे में मल्टीपल वे में हो, तो आपको वहाँ पे एज अ कोलेटेड ऑप्शन चूज करना होता है। ओरिएंटेशन, ये आपके प्रेजेंटेशन को प्रिंटिंग फॉर्म में आपके लेआउट को डिपेंड करता है, आप अपने प्रेजेंटेशन के अब जो प्रिंटिंग ऑप्शन देना चाहते हैं वो किस फॉर्म में होना चाहिए, आपका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट साइज, तो जो भी होता है आप अपने लैंडस्केप में देना चाहते हैं या पोर्ट्रेट में, तो आप उसे प्रिंटिंग में यूज़ कर सकते हैं। कलर, आप यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं, या आप ग्रे कलर या तो ब्लैक या तो वाइट कलर अपने प्रेजेंटेशन प्रिंटिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Although you can select any color setting, but the output will depend on the type of printer. ये printer पर depend करता है कि वो कैसा print out करता है. A non-color printer cannot print color slide.
नॉन कलर प्रिंटर जो होगा वो आपका प्रिंट कलरफुल नहीं करेगा। आफ्टर सेलेक्टिंग द डिजायर ऑप्शन क्लिक ऑन द प्रिंट बटन टू प्रिंट। ये ऑप्शन चूज करने के बाद, इन तीनों ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपका वो प्रिंट आउट होने के लिए रेडी हो जाता है। सो स्टूडेंट, ये आपका सेशन कंप्लीट हो गया, आपका ये टॉपिक यूनिट भी कंप्लीट हो गया, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके okay?